आरक्षित, सुरक्षित और मौखिक होता है या दो। हम लोग अलग अलग माध्यमों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आज हमने एक बस्तियों में हमारी लड़कियां हैं और वो एक स्क्रीन पे आपको दिखाएंगी और आपसे रूबरू होंगी। हम शुरुआत करेंगे एक स्क्रीन के सामने एक नाटक पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है बस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वाचा संस्था से जुड़ी हुई लड़कियाँ आपके सामने जो मुद्दा पेश करने जा रहे हैं वो मुद्दा कहीं और का नहीं बल्कि ये मुद्दा हमारी ही बस्ती का है। ये वो मुद्दा है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं पर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। राशन की समस्या, पानी की समस्या, महंगाई, ये तो हर किसी को मालूम है पर इससे भी भयानक एक और समस्या है, शौचालय की समस्या। हाँ, सरकारी शौचालय की समस्या। आज क्या स्थिति हमारी बस्ती में सरकारी शौचालय की, वो हम आपको दिखाते हैं। अरे शौचालय की बड़ी समस्या, अरे समाज देखो बिगड़ गया, अरे इस समस्या ने ही देखो, अरे इस समस्या ने ही देखो बीमारियों को जन्म दिया। जी जी रजी, सुनो सुनो लोगो, समझो समझो लोगो, ओ जानो जानो लोगो, ओ मानो मानो लोगो। अरे छी छी रछी छी रछी, काम बड़ा है, ओ कादर
प्राइवेट शौचालय में क्यों खर्च करें हम अपना पैसा, बस्ती में ना हो सार्वजनिक शौचालय, ये है चलेगा कैसा। बस्ती में ना हो सार्वजनिक शौचालय, ये चलेगा कैसा। जमुरे, इनके परिणाम तो बहुत ही भयानक है, लेकिन कैसा होगा हमारे सपनों का शौचालय। हाँ उस्ताद, तो कैसा होना चाहिए हमारे सपनों का शौचालय। तो सुविधा, ये सवाल हम आपके पास छोड़कर जाते हैं। तो क्या आप दोगे हमारा साथ? Yes.